नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग। आज का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, उनकी एनर्जी आज के दिन में आपके टूवर्ड्स कैसी रहने वाली है। ऑलराइट, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। बट इससे पहले कि हम लोग रीडिंग शुरू करें, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर सबसे पहले वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलराइट, जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही हूं, मैं चाहती हूं कि आप अपने पर्सन की एनर्जीज के ऊपर फोकस करें, उनके चेहरे के ऊपर फोकस करें, और उनका पूरा नाम अपने मन में 3 बार रिपीट करें टू टैप इन टू देयर एनर्जीज। में लॉर्ड शिवा गाइडर्स एंड प्रोटेक्टर्स थ्रू आउट दिस रीडिंग। लेट्स सी, सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए निकल के आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, द सन कार्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। लेट मी एडजस्ट द डेक, एक सेकेंड। ओके, आई विल पिक 4 मोर कार्ड्स। जिस व्यक्ति के बारे में आप लोग सोच रहे हैं, इनकी एनर्जी आज के दिन में आपके टूवर्ड्स कैसी रहने वाली है। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देन वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स। राशियां अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं तो मुझे यहाँ पे सबसे स्ट्रांग ऐसा लग रहा है लियो राशि वाले सबसे ज्यादा लोग हैं। वी ऑल्सो हैव टॉरस, वर्गो एंड केप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ओके, ये राशियां मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आप सभी की। ये राशि हो सकती है, और जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उनकी भी ये राशि हो सकती है। सबसे पहली चीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो सिंगल हैं, मैरिड नहीं हैं। आज की ये रीडिंग जिन लोगों तक पहुंचने वाली है, आई फील बहुत सारे अनमैरिड लोग हैं यहाँ पे। आई सी लॉट ऑफ सिंगल इंडिपेंडेंट वेमेन, बहुत सारी सिंगल और इंडिपेंडेंट लेडीज वेमेन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जो कि किसी और पर्सन के ऊपर निर्भर नहीं है और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को खुल करके एंजॉय कर रही हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जिस पर्सन के बारे में आप लोग सोच रहे हो सकता है कि ये व्यक्ति जो है अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, या इनका अपना खुद का कुछ बिजनेस हो सकता है। आज के दिन में भी हो सकता है कि ये इंसान अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं तो ये सिचुएशन में हो सकता है कि एक बच्चा, एक बेटा जो है, द सन, ओके, एक सन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। 7-8 साल का एक बच्चा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बेटा या बेटी भी हो सकती है। ओके, अ सिंगल चाइल्ड, आपके पर्सन भी हो सकता है कि वो सिंगल चाइल्ड हो। आज के दिन में मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को फील होगा कि आप उनको समय नहीं दे रहे हो, या आप उनको पहले जैसे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, या आप अपने काम में बिजी हो, या सम हाउ आपकी प्रायोरिटीज जो है वो चेंज हो गई है। आपको भी ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके पर्सन की प्रायोरिटीज जो है वो चेंज हो गई है, या वो इस कनेक्शन को थोड़ा सा लाइटली ले रहे हैं, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं आपके ऊपर और आपके इस कनेक्शन के ऊपर। इस वजह से इवनिंग तक जाते जाते आप लोगों का कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकता है जिसको आपको अवॉइड करना है। ये थोड़ी सी फायरी एनर्जी यहाँ पे राइज होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, इसको काम डाउन कीजिए। ओके, मून स्टोन पहन लीजिए और शांत रहिए, अपने दिमाग को ठंडा रखिए। मून स्टोन का पानी भी आप पी सकते हो, एज इन टम्बल स्टोन्स को रात में आप कांच के ग्लास में डुबो करके रखिए, और सुबह जो क्रिस्टल चार्ज वाटर है उसको पीना शुरू कर दीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा, इरिटेशन और इन सब चीजों से का इशू है, इवन दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर पीसीओडी ऑल्सो। जिनको पीसीओडी, पीसीओएस है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी रेमेडी है। ओके, सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी ऐसे पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं जो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन है, जिनको बहुत अचानक से गुस्सा आ जाता है, अचानक से नाराज हो जाते हैं, मूड इनका बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, मूड स्विंग्स इनको होते रहते हैं, या आज के दिन में इनको मूड स्विंग्स जो है होने वाले हैं। ये इंसान आपके और इनके फ्यूचर को लेकर के बहुत पॉजिटिवली सोचते हैं या सोचने की कोशिश करते हैं, बट देन समथिंग फ्रॉम द पास्ट कम्स बैक। पुराना कोई मेमोरी, पुरानी कोई याद जो है
वो पास से लौट करके वापस आ जाती है। यहाँ पर मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग शायद ऐसे हैं जो किसी ऐसे पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं जो या तो आपको छोड़ करके जा चुके हैं या आप लोगों के कनेक्शन में बहुत ज्यादा इश्यूज रहे हैं। दिस पर्सन इज ऑल्सो कमिटमेंट फोबिक। आपको इन्होंने पूरी तरीके से कमिटमेंट नहीं दिया है या आपके साथ होते हुए भी आपको कभी सिक्योर फील नहीं हुआ है इस पर्सन के साथ में। ये मैसेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। ऐसा लग रहा है कि शाम तक इनको कुछ रियलाइजेशन ऐसी होने वाली है कि ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, अपने मन की बात आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। दिन भर में कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी जो ये बाय द एंड ऑफ द डे आपको बताना चाहेंगे, आपके साथ में शेयर करना चाहेंगे। अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हो इस टाइम पर, नो कॉन्टैक्ट आपका चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है इस व्यक्ति से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सोच सकते हैं कि अगर आप बात नहीं कर रहे हो, आपकी तरफ से कोई इनिशिएशन नहीं हो रहा है, तो मैं भी क्यों करूं। इफ यू आर पुशिंग मी अवे आई विल ऑल्सो पुश यू अवे, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा, पुरानी बातों को याद करके ये पर्सन गुस्सा हो सकते हैं, ये सोच सकते हैं अगर इन्होंने आपसे अपना कट ऑफ किया है तो ये सोच सकते हैं कि किसी रीजन से ही मैंने इस इंसान को छोड़ा है या इनसे कट ऑफ किया है तो वापस जाने का क्या फायदा, ये बात इनके माइंड में आ सकती है। या अगर आपने इनको लेट गो किया है, आपने इस कनेक्शन को टाटा बाय बाय बोला है, तो ये पर्सन ऐसा सोच सकते हैं, रिवर्स में जा सकता है थॉट प्रोसेस कि आप छोड़ के गए हो, देन व्हाई शुड आई कॉन्टैक्ट। ओके, ये ईगो है दैट इज कमिंग अप, अ लॉट ऑफ ईगो इज कमिंग अप। मैस्कुलाइन एनर्जी इस पर्सन की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एक तो सूर्य की ऊर्जा यानी इनकी जो सूर्य नाड़ी है वो आज दिन भर में एक्टिवेटेड रहने वाली है। ज्यादा ये बहुत ज्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल होकर के सोचने वाले हैं कई चीजों में। ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस अपना दिखाने वाले हैं आज के दिन में। ये सोचने वाले हैं कि इनको किसी चीज से, किसी की प्रेजेंस से, एब्सेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है और बेसिकली अपने आप को बड़ा कूल शो करने की कोशिश करेंगे, बट ऐसा है नहीं। अंदर से देर आर लॉट्स ऑफ फियर्स इनसाइड दिस पर्सन, माइंड में बहुत सारे फियर्स हैं। एक बार ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से भी चेक करते हैं कि इनकी एनर्जी इस टाइम पर क्या चल रही है। ऑल राइट गाइज, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ द ओरेकल कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी आज के दिन में आपके टूवर्ड्स कैसी रहने वाली है। ओके, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहला कार्ड हमारे पास में निकल के आया है नंबर 27, दिस इज एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। ओके, किसी को गिफ्ट मिल सकता है भाई आज के दिन में। देन वी हैव हियर एंड नाउ नंबर 32, ये एज हो सकती है आपकी एज, आपके पर्सन की एज हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव सोलमेट्स, मुझे लग ही रहा था बहुत सारे सोलमेट होंगे यहाँ पे। 41 नंबर, 41 एज भी हो सकती है, 27 तारीख हो सकती है महीने की। हायर पावर आप लोगों की सिचुएशन में इन्वॉल्व है, ईश्वर की ऊर्जा यहाँ पे आप लोगों के साथ में कनेक्टेड है, एंजेलिक बीइंग्स आपके साथ में कनेक्टेड है। बहुत सारे लोगों के लिए मई और अप्रैल का महीना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑल्सो सेप्टेम्बर। वी हैव अ चेंज इन द विंड, सिचुएशन बदलती हुई दिखाई दे रही है बहुत सारे लोगों के लिए। ऐसा लग रहा है इस इंसान ने जल्दबाजी में डिसीजन लिया है बट कुछ रिटर्न आने वाला है। देन वी हैव वाई, एज इन इनके मन में सवाल उठ रहे हैं बहुत सारे। 31 नंबर है, 31 भी गाइज एज हो सकती है। ओके, या किसी महीने की 31 तारीख हो सकती है। यांग की एनर्जी आ रही है, आई टोल्ड यू स्ट्रांग मैस्कुलाइन एनर्जी एक्टिवेटेड है इस पर्सन की। ओके, बहुत प्रैक्टिकल होकर के सोच रहे हैं। एंड वी हैव नंबर 23, दिस इज पीस। ओके, सबसे पहला मैसेज, जो लोग ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज्यादा होपफुल हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या है इस कनेक्शन में। दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर, दे वॉन्ट टू गेट इन टू इट। ओके, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके सोलमेट हो, वो आपके बारे में और ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू ग्रो इन दिस कनेक्शन, एक्सप्लोर दिस कनेक्शन। अगर आप ये रीडिंग अपने नो कॉन्टैक्ट वाले साथी के लिए देख रहे हो, ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो जिनके साथ में आपकी बातचीत नहीं हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ रास्ते खुल रहे हैं बार बार, और यहाँ पे ग्रोथ और फर्टिलिटी का सिंबल भी बनता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इंसान अगर कहीं रुक गए थे या चीजें कहीं जाकर के स्टॉप हो गई थी, तो आज इसी समय से, इसी क्षण से चीजें जो है वो मूव हो रही है। मुझे नहीं पता ये रीडिंग आपको कब मिलेगी, कितने बजे मिलेगी, कब आप इसको देख रहे होगे, बट जब आपके पास ये मैसेजेस पहुंचेंगे उस टाइम पर आप लोगों के कनेक्शन की एनर्जी में डेफिनेटली कुछ चेंज आने वाला है। इस इंसान को जल्दी किसी चीज के बारे में पता चलने वाला है। यहाँ पे
एक इंडिकेशन है पास्ट का, एक इंडिकेशन है फ्यूचर का। ऐसा लग रहा है ये इंसान सोचने वाले हैं कि मैं बेकार में पास्ट की टेंशन ले रहा हूं या ले रही हूं, या बेकार में मैं फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा वरी कर रहा हूं या कर रही हूं। मेरे पास में जो अभी है, हेयर एंड नाउ, अभी इस क्षण में, इस पल में मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूँ, ओके, उसके ऊपर ये फोकस करने वाले हैं। समहाउ ऐसा हो सकता है कि ये ईश्वर से आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए प्रे करने वाले हैं। यहाँ पे एक शांति का संदेश आता हुआ दिखाई दे रहा है। आफ्टर स्ट्रांग फायरी एनर्जी, बहुत ज्यादा अगर आप लोगों के कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं तो चीजें मुझे यहाँ पे डेफिनेटली शांत होती हुई दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक आपका कार्ड निकल के आया है नंबर 8, दैट इज कम्युनिटी। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि ये रीडिंग किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो आपके कहीं आसपास में मौजूद है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की इस रीडिंग में जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले लोग हैं वो काफी ज्यादा कम हैं, और यहाँ पे ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो या तो आसपास में रहते हैं, साथ में जॉब करते हैं, ठीक है। क्लोजनेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है काफी सारे लोगों के लिए। एंड देर इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ थिंग्स रिपीटिंग, कुछ पास्ट की चीजें आज के दिन में आप लोगों की जर्नी में एक दूसरे के साथ में रिपीट हो सकती हैं। ऑल राइट गाइज, सो आज की एनर्जी चेक के लिए इतना ही। आई रियली होप कि इस रीडिंग के जरिए मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाई हूँ। एंड एक बार फिर से मैं कहूंगी कि जरूर से लाइक करके जाइएगा, बिकॉज दैट इज माई एनर्जी एक्सचेंज। ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी रेमेडीज जो है, ऐसी रेमेडीज पोस्ट कर रही हूँ शॉर्ट्स पर, जो कि आप लोग डेली लाइफ में कर सकते हो। अगर किसी स्पेसिफिक चीज के लिए आपको रेमेडी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल रेमेडी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं, जो कि आप आसानी से अपनी डेली लाइफ में कर सकते हो। ऑल राइट, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।